दो सांप जिसमें से एक रैटल स्नैक है और दूसरा किंग स्नैक। ये दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को अपने कुंडली में जकड़ते जा रहे हैं। इस लड़ाई में पहले तो रैटल स्नैक भारी पड़ रहा था, जो किंग स्नैक के मुंह को भी अपनी कुंडली में जकड़े हुए था। लेकिन ये लड़ाई एक अलग मोड़ लेती है और किंग स्नैक इस रैटल स्नैक को इसके पूंछ की ओर से ही निगलना शुरू करता है, जिसके कुछ ही क्षण बाद ये उसे अपनी कुंडली की मजबूत ताकत के बीच जकड़ते हुए पहले तो उसका दम घोटता है और फिर इसके बाद ये उसे पूरा निगलते हुए यहाँ से चलते बनता है। मॉनिटर लिजार्ड्स जंगल के वो दानव होते हैं जिन्हें दया शब्द की कोई परिभाषा नहीं पता होती। ये सिर्फ शिकार करना जानते हैं, चाहे उनके आगे कोई भी क्यों ना हो। अब प्रजाति का असर तो सब में ही होता है। ऐसे ही एक लिजार्ड की क्लिप सफारी पार्क से निकलकर सामने आई, जिसमें एक गिरगिट तेंदुए के बच्चे से उलझते हुए लगातार उसके मुंह पर अपनी पूंछ से थप्पड़ मारते जा रहा था और इसके इस प्रतिक्रिया से तेंदुए का बच्चा भी डर रहा था। लेकिन डरते हुए भी तेंदुए के बच्चे ने इस लड़ाई को ज्यादा देर नहीं चलने दिया और सही समय पाते ही एक ही अटैक में इस गिरगिट को अपने जबड़ों में दबोचकर उसे झाड़ियों में ले जाकर अपना निवाला बना लिया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वो तो था छोटा लिजार्ड, अब जरा इस मॉनिटर लिजार्ड से भी मिलिए। यहाँ ये कुत्ता इस मॉनिटर लिजार्ड को देखते ही उसे अपने इलाके से दूर भगाने के लिए उस पर लगातार भौंके जा रहा था और इसने उसे काफी दूर तक भगाया भी। लेकिन यही ये कुत्ता खुद को सवा शेर समझने की गलती कर बैठता है और भौंकते भौंकते इस गिरगिट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जहां गिरगिट भी इसके चेहरे पर अपनी मोटी पूंछ से एक जोर का तमाचा जड़ता है, जिससे इस कुत्ते को इसकी औकात याद हो जाती है। वैसे दोस्तों अगर मॉनिटर लिजार्ड्स के अब तक के सबसे खतरनाक हमलों की बात की जाए तो मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूंगा, जहां एक बंदर इस मॉनिटर लिजार्ड से मस्करी करने पहुंचा था लेकिन इसे इसकी मस्करी भारी पड़ती है। ये मॉनिटर लिजार्ड इस बंदर को जिंदा ही निगल ले गया। मेंटीस, जिन्हें हम जंगल का टिड्डा कहते हैं, छिपकलियों और गिरगिटों द्वारा इनको निगला जाना एक आम बात है, लेकिन कभी कभी इन्हें इन मेंटीस से उलझने का हर्जाना अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ जाता है। इस क्लिप में आप देख रहे होंगे कि एक मेंटीस किसी छिपकली या गिरगिट का शिकार करके उन्हें किस तरह से नोच नोच कर अपना निवाला बना लेते हैं। ये लड़ाई दो कोआला बियर्स के बीच छिड़ी हुई है। देखिए मुझे इनके लड़ाई की वजह तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इनकी इंसानों जैसी लड़ाई देख मुझे हंसी बहुत आ रही है। मार, 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 हिला दे, पकड़ जुटाना हिला दे। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दे। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर जानवर भी बहुत अलर्ट रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ इस मुर्गी को ही देख लीजिए। चिकन फार्म में एक कौवे के घुस जाने पर इस मुर्गी को लगा कि ये कौवा अब इसके बच्चों के लिए खतरा बनेगा, इसलिए ये बिना कुछ सोचे समझे ही इस कौवे पर हमला बोल दी, जिसके बाद उस मुर्गी और इस कौवे के बीच जमकर लड़ाई होती है, जिसमें ये मुर्गी उस कौवे पर भारी पड़ती है और इसे पटक पटक कर मारती है, जिससे इस कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और ये मैदान छोड़ यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। ऐसा ही एक और दृश्य 2018 में अर्जेंटीना में देखने को मिला था, जहाँ एक हॉक और एक कौवा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में बाज पूरी तरह से कौवे पर भारी पड़ रहा था, जो उसे अपने पंजों में दबाए हुए अपनी पैनी चोट से उसे घाव दिए जा रहा था। मूल स्नैक जहरीले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी के लिए जानलेवा तो नहीं होते, लेकिन इनकी बाइट बहुत दर्द पहुंचाती है। पर जब सामना जंगल के सबसे बहादुर जानवर से हो जाए तो कोई तरीका काम नहीं आता। यहाँ एक हनी बैजर एक मूल स्नैक को देखते ही उस पर टूट पड़ा है। सांप खुद को बचाने की पूरी कोशिश में लगा था, जिस बीच वो इस हनी बैजर पर हमला करके उसे दर्द भी देना चाहा, लेकिन एक बार अगर ये हनी बैजर्स किसी पर अपना निशाना लगा ले तो उसका खेल खत्म ही समझिए। यहाँ भी इस मूल स्नैक को अपने जीवन की जंग हारनी पड़ गई। दोस्तों अब एक लड़ाई यहाँ रैटल स्नैक और एक रोड रनर बर्ड के बीच देखिए, जहाँ पहले तो रैटल स्नैक से डरकर ये बर्ड भागती है, लेकिन अगले ही पल में सही समय और सही जगह पाकर ये उस रैटल स्नैक पर ही हमला करती है और सांप के मुंह को अपनी चोंच में दबाकर उसे उठा उठा कर पटकती है, जिससे कि रैटल स्नैक मर जाता है।
YouTube पर आप ये इमेज बहुत बार देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में अब तक किसी ने जिक्र नहीं किया। दरअसल दोस्तों, ये एक एनिमेटेड वीडियो है जो पाकिस्तान के एक वीडियो एडिटर द्वारा बनाई गई थी, जिसमें एक जिराफ और एक हाथी को एक बोतल पानी के लिए लड़ते दिखाया गया था। वास्तव में ये वीडियो दुनिया के लिए सेव वाटर सेव लाइफ का एक संदेश थी, जिसे क्रिएटिविटी के साथ पिरोकर लोगों के सामने पेश किया गया था। अगर एनिमल्स की सीरीज चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो सर्कल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा।